मसीह यीशु अपनी यात्रा प्रारंभ कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेकते हुए उनसे पूछने लगा, उत्तम गुरु, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? मसीह यीशु ने उससे कहा, उत्तम मुझे क्यों कह रहे हो? परमेश्वर के अलावा उत्तम कोई भी नहीं है। आज्ञा तो तुम्हें मालूम ही है, हत्या ना करो, व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो, झूठी गवाही ना दो, छल ना करो, माता पिता का सम्मान करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं बाल्यावस्था से इनका पालन करता आया हूं। युवक को एक टक देखते हुए मसीह यीशु का हृदय उस युवक के प्रति स्नेह से भर गया। उन्होंने उससे कहा, एक ही कमी है तुम्हें, जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर प्राप्त राशि गरीबों में बांट दो, धन तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होगा, लौट कर आओ और मेरा अनुगमन करो। ये शब्द सुनते ही उसका मुंह लटक गया। वो शोकित हृदय से लौट गया क्योंकि वो बड़ी संपत्ति का स्वामी था। मसीह यीशु ने अपने आसपास इकट्ठा शिष्यों से कहा, परमेश्वर के राज्य में धनवानों का प्रवेश कितना कठिन होगा। मसीह यीशु के इन विचारों से शिष्य चकित रह गए। एक बार फिर मसीह यीशु ने उनसे कहा, अज्ञानियों, कैसा कठिन होता है, कितना कठिन होगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। परमेश्वर के राज्य में किसी धनवान के प्रवेश की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद में से पार हो जाना सरल है। ये सुन शिष्य और भी अधिक चकित हो गए और मसीह यीशु से पूछने लगे, तब उद्धार किसका हो सकेगा? उनकी ओर देखते हुए मसीह यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए सभी कुछ संभव है।